एक्टिव डायरेक्टरी एंड विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह वी एम वर्चुअलाइजेशन भी एक तरीके से एवरग्रीन टेक्नोलॉजी है जिसमें मोस्टली रिक्वायरमेंट अवेलेबल रहती है ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पिछले पंद्रह साल से मार्केट में अपने आप को अपडेट किया है अपने आप को अपग्रेड किया है यूजर्स की रिक्वायरमेंट को समझा है क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट को समझ कर VMware ने मल्टीपल चेंजेस किए हैं इन दर प्लेटफॉर्म सो दैट्स यू कैन से से दैट कि BMW भी एक तरीके एवरग्रीन टेक्नोलॉजी में आप काउंट कर सकते हैं बिकॉज इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में भी मल्टीपल वैकेंसीज ट्वेंटी फोर बाई सेवन और आ, साल के हर एक महीने में इसके रिलेटेड वैकेंसीज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी सो so, इसी सभी रिक्वायरमेंट को देखते हुए आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वन न्यू प्ले लिस्ट बेस्ड ऑन VMware VS, vSphere ESXi 8.0 की सीरीज हमने अपलोड की है जिसमें अभी तक 13 प्लस वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज हम उसी पार्ट को उसी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस क्लास में आपको गाइड करते हैं कि अगर आप VMware vSphere का इन्वायरमेंट हैंडल कर रहे हो सो यू शुड नो अबाउट हाउ वी कैन यूज द सर्विस ऑफ क्लोन एंड टैम्पलेट वर्चुअल मशीन का हम क्लोन और टैम्पलेट आसानी से क्रिएट कर लेते हैं बट यू शूड नो अबाउट देंड टास्क एंड यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द प्रोसीजर आई एम मनजीत रावत ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर और आप लोग अभी टीचमी क्लाउड की यूट्यूब चैनल पे हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब बिकज टीचमी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग विद यूट्यूब चैनल है जो आपको हंड्रेड परसेंट लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए लेट मी सो यू द सेटअप दैट आई क्रिएटेड क्योंकि वी एम बी एल का जब प्रैक्टिकल की बात आती है ना तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपका सेटअप है बिकॉज यू नो दैट विदाउट सेटअप आई डोंट थिंक वी आर एबल टू परफॉर्म एनी सिंगल टास्क बिना सेटअप के हम कोई भी टास्क नहीं परफॉर्म कर सकते हैं सो वट आई डिड इन माई थर्टी टू गिग रैम बेस्ड डेस्कटॉप आई हैव ऑलरेडी सेटअप वन ईयर सक्साई सॉरी टू डिफरेंट एक सेंटर सर्वर है और एक डोमेन कंट्रोलर है यहां पे अगर आपको स्क्रीन पे देखें तो वी आर एबल टू फाइंड वन ब्लैक स्क्रीन विच इज रिलेटेड टू द वी सेंटर सर्वर और uh, हम अभी जैसे ही हमारा वी सेंटर सर्वर पूरी तरीके से रेडी हो जाता है बिकॉज रेडी तो है ही है इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड है बट बट वेवर वी क्रिएट अवर वर्चुअल सर्वर आप देखिए इसका सीपीओ यूसेज हंड्रेड परसेंट जा रहा है इट मीन्स दैट जब तक आपके सी पी ओ का यूसेज हंड्रेड परसेंट है आप अपने वी सेंटर सर्वर का जी ओ आई एक्सेस नहीं ले सकते उसकी इन्वेंट्री को Uh, उसकी, का, उसकी का आपको नहीं मिलेगा राइट सो मीन वाइल इसको मेन वाइल uh, so आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं ये जो क्लोन और टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है लेट्स टेक एन एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे एक अपने पास होस्ट है ये दूसरा ई एस एक्सआई होस्ट हमने लगा रखा है दो ई एस में रन कर रहे है। दोनों ई एस दोनों आई हमारे पे है। 1 और दूसरा ई एस एक्स आई होस्ट टू इन दोनों ई एस एक्साई होस्ट को हमने वी सेंटर सर्वर के साथ अटैच कर रखा है राइट दोनों ही ई एस को आपको वी सेंटर सर्वर के साथ अटैच कर रखना है

जिन सर्विसेज की हेल्प से हम अपने पूरे के वर्चुअलाइजेशन को मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं एक एक पे बात करेंगे अभी हमारा जो टारगेट है वो हम बात करने वाले हैं क्लोन के बारे में और दूसरा हम बात करने वाले हैं टेम्पलेट के बारे में ठीक है क्लोन और टेम्पलेट ये दो इम्पोर्टेंट पा, पार्ट है हमारे वी सेंटर सर्वर के ई एस के अंदर रन करने वाली वर्चुअल मशीन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं और मोस्ट ऑफ इंटरव्यूअर विल आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू द कैप बिटवीन क्लोन एंड टेम्पलेट तो इस वीडियो में इस क्लास में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं क्लोन का मतलब कुछ ऐसे समझते हैं मान लीजिए आपने ये ई एस एक्स आई बनाया और इस ई एस एक्स आई में कुछ वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट कर ली राइट दो वर्चुअल मशीन यहाँ पे रन कर रही है ई एस एक्स आई वन में ई एस एक्स आई टू में अभी जीरो वर्चुअल मशीन है वी सेंटर की मदद से आप इस वीएम का सिलेक्शन किया और इसको क्लोन में कन्वर्ट करना चाहते हैं द मीनिंग ऑफ क्लोन ये इंस्टेंस है इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसकी एक कॉपी मीन्स एज इट इज एज पर द नेम सजेस्ट क्लोन का मतलब है उसकी सेम हु बहू एक कॉपी तैयार हो जाएगी और इस मशीन को आप चाहो तो इसी में रख लो और आप चाहो तो इसको दूसरे ई एस भी रख सकते हैं क्लोनिंग के जरिए मतलब

मैनेज इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ठीक है इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको हम बोलते हैं मास्टर कॉपी ठीक है इसको हम बोलते हैं मास्टर कॉपी ऑफ वर्चुअल मशीन द मीनिंग ऑफ मास्टर कॉपी जब आप इस वीएम का टेम्पलेट बनाएंगे ना जब कोई भी वर्चुअल मशीन का मान लीजिए ये वीएम है इस वीएम का अगर आपने टेम्पलेट क्रिएट किया तो ये क्या होगा ये पूरी तरीके से वर्चुअल मशीन के पार्ट से हट करके एक टेम्पलेट के फॉर्मेट में यस एक टेम्पलेट के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगी और ये टेम्पलेट जो है मास्टर कॉपी इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसी टेम्पलेट के जरिए आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं ये किस केस में रिक्वायर्ड होगा ये किस केस में जरूरी होगा तैयार करने के लिए जब आपका क्लाइंट कहता है कि एक ही तरीके की वर्चुअल मशीन हर 10 से 15 दिन में उसकी रिक्वेस्ट आती है कि मुझे जो लास्ट टाइम वर्चुअल मशीन आपने प्रोवाइड की थी कैन यू प्लीज क्रिएट एंड शेयर सेम वर्चुअल मशीन विद मी जो लास्ट में आपने वीएम क्रिएट किए थे उसी वर्चुअल मशीन्स को आप एक बार फिर से हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूट करिए फिर से हमारे साथ शेयर करिए तो उस केस में वी ऑलवेज प्रेफर यस वी ऑलवेज प्रेफर कि हमें अपने वर्चुअल मशीन के अंदर वर्चुअल मशीन को एज ए टैंपलेट रख लेना है और फिर उसी टैम्पलेट के जरिए हम अपनी वी को मल्टीपल वीएम को क्रिएट करते रहेंगे उम्मीद है कि अभी जो हम कॉन्सेप्ट समझे यहाँ पे थेटिकल पार्ट जो हमने डिस्कस किया उसमें कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट नहीं होगा चलिए देखते हैं स्टेटस अपने ई का कि क्या सचुएशन है ई होस्ट की अगर इसका सीपीओ यूसेज अभी भी चलिए टेन परसेंट आ गया इट मीन दैट हमारा जो वी है ना वो नॉर्मली कंडीशन में आ गया आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप अपने वी सेंटर सर्वर को आसानी से एक्सेस कर सकते हो वीसीएसए की जो आईपी एड्रेस हमने यहाँ डिसाइड कर रखी है विच इज वन नाइनटी और इसका जो नेम है मीन डी एन एस नेम है वी चलिए एवरीथिंग इज ओके थोड़ा सा इंतजार करते हैं यहाँ पे और प्रोसीड करते हैं यहाँ के 250 दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ आवर वी सेंटर सर्वर हम इसको एक्सेस करेंगे फ्रॉम आवर डोमेन कंट्रोलर दिस इज आवर डोमेन क्लास डॉट कॉम का जो हर एक ई एस एक्स आई से जुड़ा है और हमारा वी सेंटर सर्वर भी इसी डोमेन कंट्रोलर से एसोसिएटेड है सो लेट्स वेट फॉर फ्यू मो मिनट दो ई एस एक्स आई होस्ट है वन डॉट सेवेंटी एट और दूसरा जो ई एस एक्स आई है वन डॉट फाइव दो डिफरेंट ई एस एक्स आई इन्वा में अवेलेबल है एक वी सेंटर सर्वर के थ्रू आप मल्टीपल हैंडल कर सकते हैं Installation के time पे पे इस हमने किया था कि आप एक ESXi, एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर में कितने नंबर अटैच कर सकते हैं तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप कौन सा वी सेंटर सर्वर इंस्टॉल कर रहे टीनी, मीडियम स्मॉल लाइक दैट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वी सेंटर सर्वर स्टैब्लिश करना चाहते हो

लेट मी वेरीफाई द डोमेन मैनेजमेंट मैनेज पे क्लिक किए ओके सॉरी क्लास डॉट कॉम से जुड़ा हुआ है तो डोमेन हमारा क्लास डॉट कॉम पे होगा लेट मी चेक नो प्रॉब्लम मेन वाइल वन नाइन्टी टू वन सिक्सटी एट डॉट टू फाइव जीरो एडवांस्ड प्रोसीड टू अन सेफ विश uh, क्लाइंट से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं हम अपने वि सेंटर सर्वर को क्योंकि हमें प्रैक्टिकल देखना है एच ए और डी आर एस का